आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव दोलपुरी बमनिया पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर और ब्लॉक से 11 किलोमीटर दूर है। 3700 वोट और 9000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती कैदन बेगम के हाथों में है। 4 वर्ष में इन्होंने इस गाँव को किस तरह से सजाया है और क्या क्या समस्या अभी बाकी है, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के दोलपुरी बमैया गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहां पर 4 साल आपके विकास कार्य जो कार्यकाल है उसे पूरे हो चुके हैं लगभग। क्या क्या विकास आपने गाँव में अब तक दिए हैं? मैं ग्राम प्रधान दोलपुरी बमैया जी, और हमने अपने 4 साल के कार्यकाल में और मेरे गांव वालों को कोई भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं है जी। और जिन लोगों ने 10 साल प्रधानी चलने के बाद जिन रास्ते में कार कीचड़ रह गई थी, उन लोगों ने उन प्रधानों ने उन रास्तों में कोई कार्य नहीं कराया जो कि मैंने करवाया। आपने यहाँ पर करवाया जो मैंने रास्ते सही करवाए। मेरे ग्राम पंचायत में कोई ऐसा रास्ता नहीं छूटा है जिसमें गारा हो। अब आपकी ग्राम पंचायत में लगभग सारे ही रास्ते पक्के हो चुके हैं? हाँ, सारे बाकी जो चार रह गए वो हो जाएंगे जी, बाकी सब हो जी। यहाँ जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, क्या उनका लाभ गांव वालों को मिलता है? पूरा भरपूर लाभ मिलता है। सौभाग्य योजना जो चली थी सरकार की, और अभी बिजली कनेक्शन जो हो रहे हैं उसमें, क्या वो सभी को मिले हैं यहाँ? हाँ, कुछ मर्जी 150 कनेक्शन सौभाग्य योजना से हुए जी, कुछ मैंने करवाए जी। किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा था, क्या वो अभी मिल रहा है सब लोगों को? कितने % किसान यहाँ उसका लाभ ले पाए हैं? उसमें कुछ लोगों को मिल गया है, और ये ज्यादा दिक्कत अब जब आई जब से खाते चेंज हुए बैंक में जी, उसकी वजह से उनके खाते में पैसा नहीं पहुँचा है जी। यहाँ स्कूल पर क्या क्या काम आपने करवाया है? हमने स्कूल की 4 दीवारी मरम्मत वगैरह, टैल वगैरह, गेट वगैरह, खिड़की दरवाजे सब लगवाए। स्कूल में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षक समय पर आते हैं सर? बिल्कुल सही है, और टाइम टेबल के हिसाब से आते हैं जी। आपके गाँव में सफाई की व्यवस्था कैसी है? सफाई हमारा एक सफाई कर्मी है जी, फुल मेहनत करता। हमारे यहाँ बरात घर भी नहीं है, पंचायत घर भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है, शमशान घाट कब्रिस्तान में है बने हुए, बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं, शमशान घाट की बाउंड्री नहीं है, शमशान घाट है जी। और जो कब्रिस्तानों की है जो बाउंड्री हो चुकी है जी। अस्पताल अस्पताल था, वो भी जर्जर हो गया है, और ना ही कोई डॉक्टर वगैरह बैठे। तो जो अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है ग्राम पंचायत में, क्या उसमें डॉक्टर अब नहीं बैठते हैं या पहले से ही नहीं बैठते हैं? जब से वो बना है तब से बैठते ही नहीं है, और उसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है। क्या इसके लिए आपने कहीं कोई प्रस्ताव, कोई शिकायत, कुछ अपील की है? हाँ, की है जी। तो क्या आपको वहाँ से जवाब मिला? अभी कोई जवाब नहीं मिला। कोई जवाब अभी तक नहीं मिला, कोई कार्रवाई भी अब तक नहीं की है? नहीं। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में जी। प्राइमरी स्कूल में अस्पताल जी। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? कुछ समस्याएं जो आपके गांव में ऐसी हैं जिस आप चाहेंगे कि सरकार उस तरफ खास ध्यान दे, आपके गांव में और सुंदर बनने के लिए और ज्यादा विकास होने के लिए, क्या समस्याएं ऐसी महसूस करते हैं आप गांव में जिससे सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि अगर ग्राम पंचायत के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा आए तो और ज्यादा कार्य होंगे जी, तो उससे तरक्की होगी। बरातघर पंचायत घर पंचायत घर पंचायत घर वगैरह हुआ, बरातघर वगैरह हुआ जी। यहाँ सांसद या विधायक कभी आए हैं गांव में यहाँ निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए किस तरह का काम हुआ है, कैसा नहीं? हाँ, विधायक साहब आए थे। और जैसे एक हमारा रोड निकलता है जो वाल्मीकि जाता है, मेन रोड है दोलपुरी, वो जोड़ता तुम्हारी अकला जी, बहुत पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी जी, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन भी लगा निर्माण के लिए आप चाहते हैं कि सरकार को उसका निर्माण हो, मैंने भी उसमें एप्लीकेशन लगा रखी है कि अगर पीडब्ल्यूडी नहीं करा रही हो जी तो फिर हमारे खाते में इतनी धनराशि भेजी जाए जी, उसे हमें पार कराए जी, या पीडब्ल्यूडी कराए, उसमें सांसद साहब ने भी नंबर वगैरह कराई है।
जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ प्रधान जी से बातचीत की है। काफी विकास यहाँ इस गांव में इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी रास्ते, सड़कें निर्माण, यहाँ लोगों को आवास भी दिलवाए गए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है। काफी विकास कार्य यहाँ 4 साल में करवाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं, मूलभूत समस्याएं जो अभी देखने को मिल रही हैं, सामने आ रही हैं, जैसे कि यहाँ कुछ गरीब लोग अभी बाकी हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, और इसी के साथ कुछ रास्ते अभी कच्चे हैं जिनका निर्माण ये अब आगे इस साल में करवाने की पूरी उम्मीद रखते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे प्रमुख समस्या यहाँ सामने आई है और प्रधान जी जिसके लिए मांग करते हैं, बारातघर और पंचायत घर को लेकर वो अपनी मांग रखते हैं, ग्राम पंचायत में होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक अस्पताल जो कि बहुत ही जर्जर हालत में है, जर्जर हालत में होते हुए भी जब से वो बना है तब से लेकर अब तक वहाँ कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया, कोई डॉक्टर वहाँ बैठते नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ता है। कई गांव हमने यहाँ देखे हैं जहाँ अस्पताल तो मौजूद है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते, क्यों, क्या इसकी वजह है, क्या कारण है, क्या सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन या शासन की कोई लापरवाही है, कमी है, या जनता के स्वास्थ्य के साथ यहाँ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी मांगों को पूरा करे। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। आपका नाम बताइए। मुशाहिद हुसैन जी, आप यहाँ धौलपुरी बमनिया के ग्रामीण है, नागरिक है, जितने कार्य यहाँ प्रधान जी द्वारा बताए गए हैं, क्या ये विकास कार्य आपके गांव में हुए हैं? मैं ग्राम धौलपुरी निवासी रहने वाला हूँ। जितने भी प्रधान जी के स्तर से काम हुआ वो ईमानदारी से स्वयं रूप से सभी सड़क निर्माण होते हुए या स्कूल निर्माण सभी काफी जो है अच्छे ईमानदारी से हुआ है। सबसे पहले हमारे यहाँ से जो समस्या है, कुछ नागरिकों के जो है कनेक्शन हो गए हैं, मीटर भी लग गए हैं, बिल आते हैं उनके, लेकिन उनके यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है, बिजली नहीं पहुँचती है, बिजली नहीं। इसका कारण कुछ प्रधान जी ने भी शिकायत करी थी इसके बारे में, क्या बिजली विभाग में कोई बातचीत, कोई कार्रवाई, कोई सुनता ही नहीं। आईडीओ साहब भी आए थे, उन्होंने कहा बोले हम लाइन खींचेंगे, लेकिन आज तक अभी तक उनके घर पर लाइन नहीं पहुंची है, नहीं आज तक जो है उन्होंने लाइन जलाई है। बहुत सारे कनेक्शन है गाँव में, आप खुद देख लेना, काफी कनेक्शन है, मैं नाम से नहीं गिनवा सकता, वैसे काफी कनेक्शन है। और निर्माण की बात, जो विकास हुआ है काफी अच्छा विकास हुआ प्रधान जी द्वारा।